कहते हैं राम राम सभी को, जय माता दी। सो कैसे हो आप सभी? तो फ्रेंड्स देखिए हम आ गए अभी अभी खेतों में गोबर फेंकने। तो देखिए फ्रेंड आम के नीचे क्या है, देखिए कितना बड़ा आम का पेड़ है। देखिए फ्रेंड कम से कम 100 साल का पेड़ होगा ये वाला। और ऐसे भी इस आम के पेड़ ना बहुत ही फेमस है बहुत ही जगह। और देखिए कितना बड़ा पुराना आम है। और देखिए अभी अभी नीचे क्या गिरा यहाँ पे, और देखिए कितना पक्का हुआ आम गिरा यहाँ पे। और हम जा रहे ऊपर वाले खेत में भी आम देखने। वाह गिरा हुआ ब्रांच और गिरा हुआ मिला। तो देखिए फ्रेंड दो आम मिल गए हमें कितने पके पके। ऐसे देखिए बहुत पक्का आम, बहुत ही अच्छे आम्बे आम के सबसे फेवरेट आम हमारा यही है। इसका आम बहुत मीठा मीठा होता है आम वाला। और देखिए इसका बट इस बारिश में आम कम ही लगे हुए ना, ऐसे इस पर बहुत सारे आम लगते थे ना। बट इसमें ना फ्रेंड कई बार होता है ना कि एक साल आम नहीं लगते ना पेड़ में, तो इस साल में ना हर साल आम लगते हैं, कहीं लगे ना लगे इस पेड़ पे हर साल आम लगते हैं। तो देखिए फ्रेंड अभी हम एक आम उतारते हैं उतर जाते। नहीं उतरा भी ऐसे हम पत्थर तो नहीं मारते। तो फ्रेंड देखिए कितनी ठंडी ठंडी हवा लगी यहाँ पे, देखिए कितनी ठंडी ठंडी हवा लगी। डाल रहे पैर इसमें डाल रहे हम राम देख ले। इसमें डाल दिया हमने तो इस पे ले जाएंगे घर को। और आप लोग भी खा लीजिए फ्रेंड आम, देखिए कितना पक्का हुआ आम है। और ऐसे भी गाँव में खेतों के आम ये तो बिना दवाई के होते हैं, और जो शॉप के होते हैं वो दवाइयों के होते हैं, तो इसलिए नेचुरल आम होते हैं वाले और मीठे भी बहुत होते हैं। सो देखिए नीचे से पेड़ दिखाते हैं हम। देखिए पेड़ नीचे से पेड़, और देखिए हमारे खेतों में कितने कितने पेड़ हैं आंबों के। देखिए एक बहु वाला और एक वाला दो तीन बहुत सारे पेड़ हैं। ये देखिए फ्रेंड कितने सारे पेड़ हैं हम लोग। और अभी जा रहे हैं हम खेतों में घास लेने।